हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, डेटम टीवी में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज चलते हैं हज खस न्यू दिल्ली में डियर पार्क। जिसको आदित्यनाथ झा पार्क चलते हैं, काफी पुराना पार्क है, लगभग 1295 से ये पार्क है। काफी सुंदर पार्क है। इस पार्क में हिरन, रेविन, डॉग, फाउंटेन, ओल्ड हेरिटेज, काफी सारी चीजों की सुंदर नजारा देखने को मिलता है। हज खस आइए डियर पार्क। इसलिए डियर पार्क नाम है क्योंकि यहाँ हिरण की संख्या ज्यादा है। काफी बड़ा पार्क है। समर में ये सुबह 5 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। विंटर में सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक। दोस्तों, इसमें कोई एंट्री फी नहीं लगता। सामने आपको गाड़ी पार्किंग के लिए काफी सुविधा है। अंदर घूमने के लिए खूबसूरत रास्ता है। बैठने के लिए, आराम के लिए बेंच आदि की व्यवस्था है। सुंदर पार्क है, हरियाली, हरा भरा, फाउंटेन, झरना, लेक, काफी कुछ सुंदर नजारा है। पर यहाँ पर केवल वीडियो इसलिए छोटा करना पड़ा क्योंकि सारा कुछ दिखाना आज के लिए संभव नहीं है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आज केवल हिरण का ही आप देखने का मजा लीजिए। ये साउथ दिल्ली में है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आओगे तो आपको हज खस में उतरना पड़ेगा। और आप अगर मेट्रो में आएंगे तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ग्रीन पार्क होगा। यहाँ खुशी से हिरण रहते हैं। काफी सारे खरगोश देखने को मिलते हैं। डक है, लेक है। पर इस वीडियो में आपको ये सारा दिखा नहीं पा रहा हूँ। अगले वीडियो में जरूर सब कुछ अच्छी तरह दिखाऊंगा। साथियों, ऐसे ही नई नई जगह के बारे में आपको मैं जानकारी देता रहूंगा। अपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने यार दोस्त को जरूर शेयर करना।